हाँ तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने किसी भी मित्र या मित्रानियों की कॉल डिटेल निकालते हो, किसी तरह से भी अगर आप निकाल लेते हो, तो आपको बस उसका आउटगोइंग कॉल डिटेल ही मिलेगा। उसने अपने फ़ोन से जितने भी कॉल किए होंगे बस वही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके फ़ोन में कितना कॉल आया है, किसके किसके कॉल आया है, वो आपको देखने को नहीं मिलता कॉल डिटेल में, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनकमिंग कॉल डिटेल निकालना है तो आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आपको आउटगोइंग कॉल डिटेल भी निकालना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है। तो आउटगोइंग का तो आपको निकाल ही सकते हो, लेकिन इनकमिंग कॉल डिटेल निकालने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन आज मैं कोई जुगाड़ बताऊँगा, अगर आपको देखना है कि उसने किसके किसके पास कॉल किया है, मतलब कि कॉल आया है, उसके फ़ोन में कितने कॉल आए हैं और किसके किसके आए हैं, आप अपने फ़ोन में पता कर सकते हो। हाँ तो अगर आपको किसी का भी इनकमिंग कॉल डिटेल देखना है अपने फ़ोन में, तो उसका फ़ोन थोड़ा देर के लिए ही सही लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके फ़ोन में कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको, तभी आपको उसके फ़ोन का डिटेल आपके फ़ोन में मिलेगा। अब चाहे उसके पास मतलब कि फ़ोन कोई भी हो, कीपैड फ़ोन ही क्यों ना हो, छोटा फ़ोन या बड़ा फ़ोन या तो एंड्रॉयड फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो, सब फ़ोन में वो सेटिंग मिल जाएगा जो मैं बताऊंगा। तो अगर आपकी सेटिंग मतलब किसी के पास भी अगर कीपैड फ़ोन है, तो फिर भी आप अपने फ़ोन में उसका हिस्ट्री देख सकते हो कि उसने किसके किसके पास कॉल किया है। तो आपको ध्यान से देखना है जो मैं सेटिंग बताऊंगा, आपको वही सेटिंग उसके फ़ोन में करना है। आपको उसका फ़ोन थोड़ा ले लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसके फ़ोन के कॉल सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। तो आपको कॉल सेटिंग कहाँ मिलता है, आपको कीपैड फ़ोन में कहाँ मिलता है, वो तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कीपैड फ़ोन है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ आपको। तो आपको कॉल सेटिंग ढूंढ लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉल लॉग में आना, जहाँ से आप कॉल करते हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में आपको 3 डॉट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कॉल सेटिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद करियर कॉल सेटिंग, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करना है। कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करवा रहा हूँ, इसके मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं कॉल फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, उसके जितने भी कॉल आते हैं आपके फ़ोन में आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है वो दिखा रहा हूँ मैं। जब आप कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको ऑल फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पर कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कीपैड फ़ोन है तो उस पर भी ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन मिल जाएगा। कॉल सेटिंग में जाने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये भी मिल जाएगा, यहाँ मतलब कि कीपैड फ़ोन में भी मिल जाएगा, आपको बस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेन बीजी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बीजी में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल लेना है। तो यहाँ मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ, और नंबर डालने से पहले +91 लगा लेना है, क्योंकि ये हमारे कंट्री का कोड है, तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना नंबर यहाँ पर डायल करना है, नंबर डालने के बाद ऑन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो इसको ऑन करने से होगा क्या कि उसका फ़ोन जब भी बिजी रहेगा, कहीं भी बात कर रहा या कर रही होगी, आप जिसका भी जानना चाहते हो वो, तो उस टाइम उसका कॉल आपके फ़ोन में आ जाएगा। अगर वो बिजी रहता है तो, या तो फ़ोन काट देता है, तो उस टाइम भी उसका फ़ोन आपके फ़ोन में आ जाएगा, लेकिन पहले उसके फ़ोन में जाएगा, उसके बाद वो आपके फ़ोन में आ जाएगा अगर वो बिजी रहा तो। तो आप इस तरह से अगर आपके फ़ोन में कॉल आ जाता है, तो आपके फ़ोन में कॉल आने से पहले यहाँ पे बता देगा कि कॉल फॉरवर्डिंग है, मतलब कि जो भी उसके फ़ोन से फ़ोन आ रहा है आपके फ़ोन में, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके फ़ोन में भी फ़ोन आ रहा है, और जिसका आ रहा है वो आप देख सकते हो अपने फ़ोन में, नंबर आपको आपके फ़ोन में मिल जाएगा। और अगर आप उस जान पहचान का है तो आप रिसीव करके बात कर सकते हो, और अगर नहीं बात करना तो मत रिसीव करिए, क्योंकि उसको पता नहीं चलने वाला कि वो फ़ोन आपके फ़ोन में आ रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ नीचे है,
यहाँ पे अनएंसर, ठीक है। अगर वो फ़ोन नहीं उठाता तो उस टाइम भी उसका फ़ोन आपके फ़ोन में आ सकता है। यहाँ पे अनएंसर पे अगर आप नंबर डाल के ऑन करोगे तो अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो उस टाइम भी आपका फ़ोन में आ जाएगा फ़ोन। उसके बाद यहाँ पे अनरिचेबल, अगर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो उस टाइम भी आपका फ़ोन में उसका फ़ोन आएगा। तो आपको जो जो ऑन करना है आप ऑन कर लो, लेकिन बस ऑलवेज फॉरवर्ड पे ऑन नहीं करना है। अगर इस पे करोगे ऑन तो उसके जितने भी कॉल है सारे फ़ोन कॉल आपके फ़ोन में आने लगेंगे, तो आपको इसको ऑन नहीं करना, बाकी सारे को ऑन कर देना है। उसके बाद उसके फ़ोन से जब भी कोई भी कॉल आएगा उसके फ़ोन में अगर रिसीव नहीं करता, या तो अनरिचेबल रहता है या तो बिजी भी रहता है, तो उसके टाइम उस फ़ोन से फ़ोन आपके फ़ोन में आ जाएगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा फ़ोन किसी और के फ़ोन में भी चला गया है। और इस तरह से अगर उसका कॉल आपके फ़ोन में आने लगेगा तो आप पता कर पाओगे कि उसके फ़ोन में किसका किसका कॉल आता है। तो यही जुगाड़ था जिसके मदद से आप अपने किसी भी मित्र या मित्रानियों का कॉल डिटेल अपने फ़ोन में देख सकते हो, और बाकी कोई जुगाड़ है नहीं जिसकी मदद से आप उसके इनकमिंग कॉल डिटेल निकाल सकते हो। तो अगर इनकमिंग कॉल डिटेल निकालना है तो आपको यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और जिसके फ़ोन में आपने ये किया है उसको भी पता नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताओगे, या तो वो जाके फिर से अपने फ़ोन में जाके सेटिंग को नहीं ढूंढ ले या तो देख ले, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन व सेटिंग वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, इसमें पॉपअप में मैसेज नहीं आता कि आपका कॉल फॉरवर्ड किया गया है। क्योंकि अगर आपने ऑलवेज फॉरवर्ड किया तभी आएगा यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आता है, अगर आपने ऑलवेज फॉरवर्ड कर दिया तो आपको ऑलवेज फॉरवर्ड नहीं करना, बाकी ये जो ऑप्शन आप बताया मैंने वो कर लेना है। तो बस आज का जुगाड़ यही था, मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में दूसरे जुगाड़ और दूसरे सेटिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत है, अभी करिए, क्योंकि ऐसे जुगाड़ और ट्रिक वाले वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो आज के लिए बस, टाटा बाय बाय।